उनको बहुत ज्यादा डर लग रहा है भाई, चांस हमको पकड़ लिया तो आई एम आई हैव नो आइडिया व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद मी। एकदम चोट वाला फीलिंग आ रहा है। हेलो वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड ग्रेट इन नोएडा में बहुत ज्यादा गर्मी है, आई कांट अंदर जाके बात करता हूँ। सो आज के इस वीडियो में मैं जाने वाला हूँ शारदा यूनिवर्सिटी एज ए फेक स्टूडेंट बनके, और मैं कैंपस में दम प्रीटी मच श्योर की खुशी जाऊँगा एंड आई ट्राई कि मैं क्लासरूम में भी घुसने की कोशिश करूँ एंड होपफुली मैं पकड़ा ना जाऊँ। सो आई डी का तो प्रॉब्लम नहीं, आई एम यूजिंग वन ऑफ माई फ्रेंड्स आई डी, तो मैं उसका नाम को रिवील नहीं करूँगा, नहीं तो फैकल्टी वाले उसी को पकड़ के डांटेंगे या फिर गाली देंगे जो भी है। तो अभी मैं तैयार हो जाता हूँ, उसके बाद आई डायरेक्टली सी यू इन शारदा यूनिवर्सिटी। And we have reached, we're in the parking. Rekham is going with me. Faculty walo, ek chota sa disclaimer de dunga. By this video, I'm not trying to disrespect Sharda University ki main easily ghus gaya and all of that. But main apne audience ko bas dikhana chahta hu ki how the Sharda University actually looks like. To wahi hai bas mera motto, nothing negative. To isi ke saath hum chalte hain andar. So there is the ID check. अरे नहीं जा रहा। सो दिस वॉज द आई डी, माई फ्रेंड्स आई डी जो मैंने यूज किया था, इसे अंदर रख देता हूँ, फैकल्टी वाले नहीं तो दोस्त को पकड़ेंगे। सो वेयर इन रिकॉम का डिपार्टमेंट आ गया है। चलो आजिंग भाई, हम तुमको बाद में मिलेंगे, हम कोई क्लास ढूंढता है बैठने के लिए। आ जाएगा पता नहीं, हम ऐसे ही घूमेगा बस। बाय बाय। तो कुछ इस तरह से दिखता है शारदा यूनिवर्सिटी। मैं कोशिश करूंगा कि मैं किसी क्लासरूम में बैठ पाऊं एंड आई होप कि वो लोग मुझे पकड़े नहीं। या जाएगा क्या, अकाउंट्स का लग रहा है, इसको छोड़ दो, अपने समझ से पढ़े अकाउंट्स। आई ट्राई टू सिट इन समवेयर, बीए का क्लास मिल जाए तो अच्छा है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फ्रेशर्स वाला घूमते। सो दिस इज द क्रिकेट फील्ड एरिया, आगे पे बास्केटबॉल ग्राउंड है और फुटबॉल ग्राउंड। ये बॉयज़ हॉस्टल है और पीछे पे गर्ल्स हॉस्टल है। द नेम ऑफ दिस हॉस्टल्स आर मंडेला। सो पहले विल जस्ट मूव अराउंड, हम लोग अगल बगल देख लेते हैं क्या क्या देखने को मिलता है, उसके बाद लेटर ऑन हम क्लास में घुसने की कोशिश करेंगे। ये है शारदा यूनिवर्सिटी का फुटबॉल ग्राउंड, पीछे पे है ब्लॉक नंबर 7। सुनने में ब्लॉक नंबर 7 में बीए का क्लासेस है। I'll try to get in. I'm seeing this again. I hope मुझे पकड़ ना ले। और आज का जो दिन है, it's quite windy. As you can see, काफी ज़्यादा धूल उड़ के आ रहा है। This is the school of law. हम यहीं पे घुसेंगे। And we're in. अभी यहाँ में कुछ बदमाशी करेंगे। अरे इतने जल्दी चला गया। हमको बहुत ज्यादा डर लग रहा है भाई, चांस हमको पकड़ लिया तो आई हैव नो आइडिया एकदम चोट वाला फीलिंग आ रहा है। चलो एंटर। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। 67 फ्लोर, यहाँ बीए का क्लासेस चल रहे हैं। तो जैसे ही मैं बीए की क्लासेस पहुंचा, वहाँ पे क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, तो मैं घर फिर के इंजीनियरिंग के क्लास में जाके बैठ गया। सो आई डिड अ 1 आवर क्लास देयर, होपफुली उन्होंने मुझे नहीं पकड़ा और मैं बच गया। तो एनीवेज, अभी मैं यहाँ से क्रिकेट ग्राउंड और बास्केटबॉल ग्राउंड से आगे ले रहा हूँ, उस तरफ शायद हॉस्पिटल जाता है एंड दैट वन द बिग बिल्डिंग दैट इज द लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी को क्रॉस करके हम लेफ्ट राइट घूमेंगे,
लेट्स सी आगे क्या क्या देखने को मिलता है। थोड़ी सी भूख भी लग रही है। वंस माई फ्रेंड्स आर देन हम वहाँ में थोड़ा सा कुछ खा लेंगे हल्का सा, ये प्री लंच बोल लो। दिस इज द बास्केटबॉल कोर्ट। एक दो लोग खेल रहे हैं, एक दो कपल्स भी दिख रहे हैं। वेल एंड गुड, आगे चलते हैं। एंड द लाइब्रेरी फोकस हो जा। या अच्छा से इनग्रेव किया शारदा यूनिवर्सिटी, लुक्स नाइस। द क्रिकेट ग्राउंड। सॉरी मैंने हॉस्पिटल का रास्ता गलत बताया था। हम लाइब्रेरी से नहीं जाते हैं बल्कि यहाँ से सीधा जाके लेफ्ट लेना पड़ेगा हॉस्पिटल के लिए, और वहाँ पे एक बहुत बढ़िया कैंटीन भी है, तो हम सीधा वहीं जाएंगे। सो दिस इज ब्लॉक बी। ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। एक भैया से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ में एग्रीकल्चर और नर्सिंग का डिपार्टमेंट है। ये सब में तो हमारे वी आर वेरी सिंपल स्टूडेंट, एग्रीकल्चर नर्सिंग वगैरह हम हमारे समझ के पढ़े, तो हम आगे चलते हैं। बट यहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं जहाँ ये लोग ज़्यादा खूबसूरत हैं। और फिर चेक यो, आगे चलते हैं। वो वहाँ में एक छोटा सा कैफे टाइप का रेस्टोरेंट है। वन मोर स्मॉल कैफे रेस्टोरेंट इन द सेम लाइन। माई फ्रेंड इज इन ब्लॉक टू। उसका क्लासेस आई जस्ट टेक्स्टेड हिम। उसका क्लासेस अभी 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, तब तक लिए मैं यहीं पे छाँव में इंतज़ार करता हूँ। काफ़ी थक गया। सो आई प्रॉब्ली वेट हियर फॉर 5 मिनट्स, उसके बाद हम कैंटीन मैं आपको कैंटीन दिखाऊंगा। वो देखो तो मिस्टर रिकम पोर्दुंग इज हियर। अजय हम तो एक क्लास में दमादम घुस गया है। वाह, क्लास में दमादम घुस गया। वाह, तेरा कैसे था क्लास? क्या सब्जेक्ट करके है? मैथमेटिक्स। चल भाई कैंटीन। सो ये है शारदा यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल। आई डोंट नो इफ यू कैन गो इन और नॉट, बट देखते हैं, पॉसिबल होगा तो हम पक्का से अंदर जाएंगे। सो दिस इज द एंट्रेंस ऑफ द हॉस्पिटल। इन एवरी हॉस्पिटल वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होता है, बट आई होप आई कैन शूट समथिंग आउट ऑफ हियर। हम अंदर नहीं जाएंगे, अंदर पूजा भी हो रहा है एंड कैमरा लेके जाने से अंदर का डेकोरम भी ख़राब हो जाएगा। सो आई डोंट वांट टू रुइन इट। तो हम सीधा कैंटीन की तरफ चलते हैं। तो जो भी आइडिया मिल गया था, शारदा यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल कुछ इस तरह से दिखता है। सो अभी वी आर एंटरिंग द, ये एक्चुअली यहाँ का सबसे अच्छा वो है रेस्टोरेंट है, यू कैन से रेस्टोरेंट और कैफे, और ये सबसे बड़ा भी है। इसलिए अंदर के लिए आया है आपको दिखाने के लिए। बाकी छोटे छोटे जो कैफे थे मैंने आपको ऑलरेडी आगे दिखा चुका हूँ। कौन सा है? अब तुम शारदा का होगे, तुमको पता नहीं। ये जो है दिस इज द बेस्ट, बड़ा भी है अच्छा भी है एंड लुक्स नाइस एज़ वेल। सो वी आर इन द कैंटीन राइट नाउ। काफ़ी हद तक पूरा यूनिवर्सिटी को मैंने आप सभी लोगों को दिखाई दिया। इट्स क्वाइट गुड यूनिवर्सिटी आई वुड से। काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी खूबसूरत है एंड द क्लासेस आर आल्सो वेरी नाइस, बहुत ही हाइजीन है। तो और अभी वी आर इन द कैंटीन राइट नाउ। तो ये हम लोग का लास्ट स्टॉप होने वाला है प्रॉपर्ली। तो यहाँ में हम फूड को टेस्ट करेंगे, खा के देखते हैं, उसके बाद आप सभी लोगों को रिव्यू भी दूंगा ऑल्सो। और क्या बोलेगा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। आई होप आई डोंट गेट कॉट। ऑल्सो मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, बाई एंटरिंग हियर आई डिडंट मीन एनीथिंग नेगेटिव, मैं कुछ डिसरिस्पेक्ट करने के लिए नहीं आया। आई जस्ट वॉन्टेड टू शो माई ऑडियंस कि हाउ ब्यूटीफुल शारदा यूनिवर्सिटी इज, एंड मैंने दिखा दिया काफ़ी खूबसूरत जगह है। दैट वाज इट। बस अभी हम कुछ खाएंगे, इट्स ऑलमोस्ट 1, उसके बाद हम तेरा क्लास खत्म ना, तो ये सब खत्म करके विल वाइंड अप एंड विल गो होम। दैट्स इट। सो आवर फूड इज हियर। हमने ब्रेकफास्ट मिस कर दिया था, सो दिस इज गोइंग टू बी ए ब्रंच फॉर अस। इसको खा के बाद में लंच करेंगे। अभी खा के फूड रिव्यू देगा कि कैसा है यहाँ का फूड। केचप डाला। तुमको पास्ता कैसे लगा? ठीक ठाक ना, अच्छा नहीं। फूड आर एवरेज बट द कॉलेज इज ऑसम। तो बस इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम रखते हैं यहाँ में। आई सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। एज आई सेड अर्लियर, यू गाइस आर अमेजिंग। पीस।